आगे बढ़ेंगे। महंगाई का सुनामी, गरीब के अरमान बहा ले गया। जरूरत की हर चीज अवाम के कोयते खरीद से बाहर, अवाम सर पकड़ कर बैठ गए। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान बहा कर ले गया। जरूरत की हर चीज अवाम की कुव्वते खरीद से बाहर है, अवाम सर पकड़ कर बैठ गए। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। छूती महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। सब्जियों की कीमतें आसमान से नीचे ना सकी, फलों ने भी अवाम से मुंह मोड़ लिया। चिकन, गोश्त समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें सुनकर अवाम ने कानों को हाथ लगा लिए। कहते हैं महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, हम जाएं तो कहां जाए। महंगाई ट्रेन की तेज रफ्तार, चिकन का किचन में आने से इनकार। मुर्गी का गोश्त मजीद 9 रुपए महंगा, 392 रुपए किलो तक जा पहुँचा। 12 अंडे 250 रुपए में दस्तयाब। मार्केट में अंडों की पेटी 7380 रुपए में फरोख्त हो रही है। का बाजार भी आवाम को रिलीफ ना दे सका। सरकारी निरखों में 6 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। लहसुन 340, अदरक 610, लीमू 275, मटर 260 और फलियां 202 रुपए फी किलो में बिक रही हैं। फूल गोभी 155, मेथी और अरवी 110 रुपए किलो में दस्तयाब है। फलों की कीमतों को फुल स्टॉप ना लग सका। केला दर्जा अव्वल 160 रुपए फी दर्जन, सेब 315, पपीता 175, फालसा 260, आड़ू और आम चौंसा 185, खुबानी 155 और खरबूजा 67 रुपए किलो में दस्तयाब है। महंगाई से सताए अवाम का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई के आगे घुटने टेक दिए हैं, अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मुनाफाखोरों की चांदी है, सस्ती अशिया का हसूल ख्वाब बन गया है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। आज भी सरकारी नरखों में मुतअद्दिद फल सब्जियाँ महंगी कर दी गई हैं। चिकन की कीमत में 9 रुपए इजाफा, मुर्गी का गोश्त 392 रुपए किलो हो गया, सब्जियां फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। मजीद मार्केट्स रेट्स के हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर अरसलान इनायत से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो आज भी सरकारी रेट लिस्ट में मुतादी सब्जियाँ और फल महंगे कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट में फरोख्त की बात करते हैं तो वो भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स की जाती है, जिस पर शहरी जब मार्केट में दुकानों पर ख़रीदारी के लिए आते हैं तो वो शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियों और फलों की और जो मार्केट में फ़रोख्त है उसका मुआवजा किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपये है, लेकिन दुकानदार मार्केट में 140-150 रुपये किलो तक प्याज फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह टमाटर की सरकारी कीमत 125 रुपये है, लेकिन दुकानदार 170-175 रुपये किलो तक टमाटर फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह आलू जो है उनकी सरकारी कीमत 80 रुपये है, लेकिन दुकानदार 120-130 रुपये किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह मटर की सरकारी कीमत 270-280 रुपये है, लेकिन दुकानदार 450-450 रुपये किलो तक मटर फरोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फलों की बात कर लेते हैं तो फलों में सेब जो है वो 450 रुपये किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आम जो है वो 260-270 रुपये किलो तक जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ जो इकसाम के आम हैं उनके मुख्तलिफ रेट जो है वो मार्केट में देखने को मिलते हैं। इसी तरह खुबानी जो है उसकी कीमत भी 270-280 रुपये किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। तो ये जो बढ़ती हुई कीमतें, इस पर शहरी जो है वो शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं चिकन की, तो चिकन आज फिर 9 रुपये महंगा हुआ है। कल भी चिकन की कीमत में 9 रुपये इजाफा हुआ था, आज फिर जो है वो 9 रुपये इजाफा कर दिया गया और नई कीमत जो है वो 392 रुपये सरकारी रेट लिस्ट जो है वो मुर्गी के गोश्त का मुकर्रर किया गया है। लेकिन मार्केट में दुकानदार जो है वो साफ़ी के नाम पर मुख्तलिफ जो कीमतें हैं वो शहरियों से वसूल कर रहे हैं। तो शहरियों से बात हुई है, उनका यही मुतालबा है कि ज़िला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इनको चाहिए कि मार्केट में और सरकारी रेट लिस्ट में चेक एंड बैलेंस रखा जाए, ताकि गरीब आदमी और कम आमदनी वाला तबका जो है वो अपने बच्चों को दो वर्ग का